क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो जिसमें ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती ऐसी इक्वेशन को हम क्वारटिक इक्वेशन बोलते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज कि अगर ए ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा तो ये वाली टर्म गायब हो जाएगी तो फिर तो ये लीनियर एक्सप्रेशन बचेगा ठीक है और इसमें हम क्या देखते हैं कि जो अपने ए बी और सी हैं ये रियल नंबर हों ये हमें इंश्योर करना रहता है ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं लेकिन फिर जो हम फार्मूलास ड्राइव करेंगे सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वो सब फिर वैलिड नहीं रहेंगे इसलिए ए बी सी को हम जनरली रियल मान के चलते हैं कि ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें पता है कि वील हैव टू रूट्स लेट्स कॉल देम अल्फ़ा एंड बीटा एंड अगर आपको अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी हो तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला से आती है दैट इज़ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू टाइम्स ए इस फार्मूला को हमें ऑब्वियस ऑबियसली बात है याद करना है ये या आपको याद भी होगा आपने टेंथ में किया हुआ ये पोर्शन ठीक है तो दैट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी क्या करते हैं इसके नीचे कुछ नोट्स लिखते हैं नोट वन नोट वन सेज के अगर आपको सम ऑफ रूट्स निकालना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इफ़ यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ रूट्स दैट इज यू हैव टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा तो इसकी वैल्यू क्या आती है माइनस बी अपॉन ए सिमिलरली नोट्स टू सेज अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा इन टू बीटा एंड इसकी वैल्यू आती है सी अपॉन ए अब सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स तो आपने टेंथ में भी पढ़ा होगा जो हम नई चीज़ देखने जो शायद आपने टेंथ में ना पढ़ी हो दैट इज़ डिफ्रेंस ऑफ फ्रूट्स दैट इज़ अल्फा माइनस बीटा या फिर बीटा माइनस अल्फा भी हो सकता था उस चीज को काउंट फॉर करने के लिए यहां पे मॉड लगा लिया अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल आता है तो लेट से एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा फिर आप क्या करो कि इसको ये जो टर्म आई अपनी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसको आप ऐसे लिख लो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा ये तो आपने इस टर्म को लिखा और माइनस टू बीटा एक और था तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स अल्फ़ा बीटा और अब इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भर दी दैट इज माइनस बी ए का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस फोर टाइम्स अल्फ़ा बीटा इज सी ए ए दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस फोर सी अपॉन ए इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ए स्क्वायर तो ये वैल्यू अपनी आई अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई तो यहाँ से फिर अल्फा माइनस बीटा का मॉड अगर निकालें तो दैट विल बी रूट ऑफ अब इस एक्सप्रेशन को तो हम तो डी अपॉन ए स्क्वायर लिख सकते थे तो यह आ जाएगा रूट डी अपॉन तो ये अपना डिफरेंस ऑफ रूट्स का रिजल्ट आ गया दैट इज रूट डी अपॉन ए इसको हमने याद कर लिया ठीक है दैट वाज डिफरेंस ऑफ रूट्स नेक्स्ट नोट पे आते हैं नोट फोर दैट सेज कि आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो इसमें से मान लो आप ए कॉमन निकाल लेते हो तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए अब आपने क्या करा कि एक्स स्क्वायर प्लस अब बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए क्या होता है सम ऑफ रूट्स मतलब के अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी एपॉन ए होती है तो बी अपॉन ए की वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस सिमिलरली अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए तो सी अपॉन ए को अल्फ़ा इंटू बीटा लिख लिया यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा लिखा दैट विल बी इक्वल टू ए इंटू यहाँ से एक्स कॉमन आ गया तो अंदर बचा एक्स माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन आया तो अंदर फिर से बचा एक्स माइनस अल्फा बेसिकली हम मिडल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे दैट इज इक्वल टू ए इंटू यहाँ से दो रूट्स आ गए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा तो फाइनली रिजल्ट क्या बना कि जो अपना एक्सप्रेशन था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए इंटू एक्स माइनस फर्स्ट रूट इंटू एक्स माइनस द अदर रूट तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी कैन बी रिटर्न एज ए टाइम्स ये जो कॉफी चंड है उसको बाहर निकाल लो इंटू एक्स माइनस वन ऑफ द रूट इन एक्स माइनस सेकेंड रूट ठीक तो दैट्स आर रिजल्ट इन नोट फोर लेट्स डू फ्यू एग्जाम्पल्स एक क्वेश्चन करते क्वेश्चन सेज दैट इफ अल्फा बीटा अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाडिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो गिवन है कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं एंड वी हैव टू फाइंड लेट्स ए फर्स्ट पार्ट इज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मान लो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ऑब्वियसली सारे आंसर्स ए बी और सी के टर्म में आएंगे बिकॉज हम जनरल क्वेश्चन कर रहे हैं ठीक है तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिस कैन बी नाउ रिटर्न एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा बिकॉज इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ से प्लस टू अल्फा बीटा आएगा जो इस माइनस टू अल्फा बीटा से कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल हैव अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो अब यहां पे वैल्यू सब कर दी इसकी अल्फा प्लस बीटा की दैट इज माइनस बी अपॉन होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी अपॉन ए दिस इज नथिंग बट बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस टू सी अपॉन ए विच इन टर्न इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन ए स्क्वायर तो ये अपना आंसर आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन ए स्क्वायर लेट्स डू अनदर क्वेश्चन नंबर टू वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है सो so नाउ हमारे पास फिर से एक रिजल्ट होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की प्रॉपर्टी दैट इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ठीक सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी माइनस बी अपॉन ए ये तो क्वारटी इक्वेशन से आ गया अब यहाँ पे आप देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस टर्म को और इस टर्म को अगर क्लब करते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अपने फर्स्ट पार्ट में निकाली है दैट इज बी स्क्वेयर माइनस टू ए सी अपॉन ए स्क्वायर तो इसको सब्सिट्यूट कर दिया यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस ये की वैल्यू सी अपॉन ए आ गई और अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बस माइनस बी अपॉन ए बी स्क्वायर माइनस टू ए सी और यहाँ पे भी एलसीएम में लेंगे अगर तो ए सी आ जाएगा ओवर ए स्क्वायर तो अब सिम्प्लीफाई होके कितना आ गया माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस थ्री ए सी ओवर ए स्क्वायर इंटू ए दैट इज ए क्यूब तो ये अपना आंसर आ गया ऑप्शन के साथ अगर मैच करना पड़े तो बी को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बस ठीक है दैट इज योर सेकेंड पार्ट लेट्स टेक अनदर पार्ट थर्ड लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा मान लो हमसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछियो तो फिर से क्या किया कि अल्फ़ा बीटा को पहले कॉमन निकाल लिया बेसिकली हमें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट्स वाले फार्मूलाज को अप्लाई करना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा अगर कॉमन आएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अब फार्मूला में वैल्यूज प्लग इन कर दी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी एम ऑन है एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए दिस इज इक्वल टू माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर तो ये अपना इस पार्ट का आंसर हो जाएगा अब क्वेश्चन में ए बी सी की जगह वैल्यूज भी दे सकता है तो यहाँ पे आपके पास फिर एक रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा फोर्थ पार्ट मान लो आपको वैल्यू ढूंढनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा की तो अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है फर्स्ट पार्ट में दैट इज बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन ए स्क्वायर तो इसको तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन ए स्क्वायर और साथ में आ गया अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा इज नथिंग बट सी अपॉन ए तो ये ए के और ये स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यू विल हैव बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन ए सी एज द फाइनल आंसर ठीक लेट्स टेक अनदर पार्ट लास्ट वन दैट इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर मान लो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपने पहले तो एलसीएम लिया तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और ऊपर बन जाएगा बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब तो अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू देखो हमने सेकंड पार्ट में कैलकुलेट की अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज माइनस बी साथ में बी स्क्वायर माइनस थ्री सी अपॉन ए क्यूब यही वैल्यू सब चूट कर देते हैं यहां पे तो यहां आ जाएगा माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस थ्री ए सी अपॉन ए क्यूब ठीक है अपॉन ए क्यूब और साथ में अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर अब अल्फा बीटा की वैल्यू तो होती है सी बाई ए तो अल्फ़ा बीटा के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर ठीक तो यहाँ से सिम्पलीफाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर और ये क्यूब कट जाएगा यहाँ पे a के बचेगा और बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो आंसर बना माइनस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी सी ओवर ए सी स्क्वायर तो ये अपना इस पार्ट का आंसर आ गया आई so होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया ठीक है अभी एक और एग्जांपल करते हैं ये एग्जांपल जेई में आई हुई है ना तो देखें ज़रा इफ टू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री अल्फा माइनस फाइव एंड टू बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री बीटा माइनस फाइव देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो सॉल्यूशन लिख लिया अब अगर ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट और ये पार्ट इसके कॉफिशेंट्स तो सेम ही है यहाँ पे भी टू है यहाँ पे भी टू यहाँ थ्री थ्री एंड माइनस फाइव माइनस फाइव तो अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्यूम करूँ टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फाइव तो आप ये सोच सकते हो कि जब आप इसमें अल्फा पुट करोगे या फिर आप इसमें बीटा पुट करोगे तो वो दोनों इसको सेटिस्फाई करवाएंगे इस इक्वेशन को बिकॉज जब आपने अल्फा पुट किया तो यहाँ पे क्या बना टू अल्फा स्क्वायर प्लस थ्री अल्फा माइनस फाइव और जब आपने बीटा पुट किया तो बना टू बीटा स्क्वायर माइन इक्वल टू तो थ्री बीटा माइनस फाइव तो दोनों ही इसको सेटिस्फाई करवा रहे हैं तो मतलब ये दोनों फिर क्या हो गए ये दोनों इस इक्वेशन के रूट हम ज्यूम कर सकते हैं सो तो इस इक्वेशन को अब ऐसे लिख लिया टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो और दो रूट्स इसके अल्फ़ा एंड बीटा हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा की तो यहाँ एल्सीम लिया तो ये बना बीटा अल्फ़ा और ऊपर बना अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ना अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स अल्फ़ा बीटा और यहाँ तो अल्फ़ा बीटा ही रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू पुट कर दी इस इक्वेशन से दैट इज सी माइनस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए वैल्यू पुट करोगे तो थ्री अपॉन टू का होल स्क्वायर आ जाएगा थ्री अपॉन टू होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप देख सकते हैं दैट इज फाइव अपॉन टू डिवाइडेड बाय अगेन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज फाइव अपॉन टू अब इसको बस हमें सिंप्लीफाई करना है एंड वील हैव अर आंसर तो सिंप्लीफाई करते हैं नाइन अपॉन फोर माइनस फाइव ओवर फाइव अपॉन टू तो यहां से आया अपने पास माइनस ऑफ इलेवन अपॉन टेन आ जाएगा आंसर ठीक है सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन ठीक है इसमें हमें एक क्वालिटी इक्वेशन एज्यूम करनी पड़ी उसके बाद फिर हमने वैल्यूज को इन कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज में ऑल राइट लेट्स डू अनदर क्वेश्चन क्वेश्चन सेज के आपके पास एक इक्वेशन एक 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 है एक्स एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा ऑल्सो आपके पास दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर इज इक्वल टू जीरो और इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं गामा एंड डेल्टा एंड हमें फाइंड क्या करना है वी हैव टू फाइंड और इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन दैट इज़ अल्फ़ा माइनस गामा इंटू अल्फ़ा माइनस डेल्टा ओवर बीटा माइनस गामा इंटू बीटा माइनस डेल्टा हमें इस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस एक्सप्रेशन की और ये वाली इन्फॉर्मेशन हमें दो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन और उनके रूट्स गिवन है तो स्टार्ट करते हैं इस एक्सप्रेशन को एक बार दोबारा लिख लिया अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा ओवर बीटा माइनस गामा इंटू बीटा माइनस डेल्टा और अब इसको मल्टीप्लाई किया देखो अल्फा को अल्फ़ा के साथ किया तो अल्फा स्क्वायर और फिर अल्फ़ा को डेल्टा के साथ किया तो माइनस डेल्टा अल्फा फिर गामा को अल्फा के साथ किया तो माइनस गामा अल्फा एंड देन यू हैव प्लस ऑफ गामा डेल्टा सिमिलरली डिनोमिनेटर में देखा बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर देन माइनस डेल्टा बीटा माइनस गामा बीटा एंड देन यू हैव प्लस ऑफ गामा डेल्टा अब इसको ऐसे, लिख, से से गामा डल्टा, गामा डल्टा. ऐसे लिख, लिख लिया अल्फा स्क्वायर यहाँ से माइनस डेल्टा और गामा को क्लब कर दिया और अल्फा कॉमन निकाल लिया यहाँ से अल्फ़ा कॉमन आएगा माइनस इस तरफ कॉमन निकाला तो यूल हैव गामा प्लस डेल्टा टाइम्स अल्फा प्लस गामा इंटू डेल्टा ओवर बीटा स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी सेम ही क्या डेल्टा प्लस गामा टाइम्स बीटा प्लस गामा इंटू डेल्टा अभी हमें पता है कि डेल्टा और गामा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर के तो ये तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बन रहा है यहाँ पे तो वैल्यू सब्स्यूट कर दी सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तो इक्वेशन बन गई अल्फ़ा स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू सम ऑफ रूट्स यहाँ से दैट विल बी माइनस ऑफ पी अपॉन वन टाइम्स अल्फ़ा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आर ओवर बीटा स्क्वायर माइनस सेम चीज यहाँ पे माइनस पी टाइम्स बीटा प्लस आर अभी बस क्वेश्चन के एक दो स्टेप्स रह गए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस आर ओवर बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा प्लस आर अब अगर आप ध्यान से देखो तो अल्फ़ा जब इस इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करवाएगा मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा माइनस क्यूज इक्वल टू जीरो टाइप की इक्वेशन बनेगी यहां पे लिख लेते हैं जब अल्फा ने इसको सेटिस्फाई करवाया तो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा और माइनस क्यू टाइप की इक्वेशन बनी सिमिलरली जब बीटा ने इसको सेटिस्फाई करवाया तो यूल हैवे इक्वेशन बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई क्यू एंड बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा की वैल्यू भी क्यू आ गई और इन दोनों को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा इज इक्वल टू क्यू और ये आर तो था ही सिमिलरली बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू प्लस आर और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अपने पास वन आ गई एंड दैट इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन आई होप आपको ये समझ आया तो एक दो इंपॉर्टेंट स्टेप थे एक तो हमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सब्च्यूट करना पड़ा और फिर इस स्टेप में अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा और बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा की वैल्यू वापस इसी इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन से हमें सब्स्यूट करनी पड़ी ठीक है लेट्स मूव टू अनदर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन सेज के आपके पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री ए इज इक्वल टू जीरो और इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा और एक चीज और गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा ये गिवन है हमें फाइंड क्या करना है हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए तो सोल्यूशन लिख लिया ये बहुत ईजी है सम ऑफ रूट्स क्या आएगा इस इक्वेशन से माइनस टू अपॉन ए आ जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट विल बी थ्री ए अपॉन ए ये ए और ये ए कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ से ए इधर गया थ्री नीचे आया तो वैल्यू ए की अपने पास कितनी आ गई माइनस टू अपॉन थ्री दैट इज योर आंसर दिस वॉज अ सिंपल क्वेश्चन एज कंपेयर टू द अदर क्वेश्चन दैट वी है डन टू डे और एग्जाम्पल लिए एक मान लो कि आपको जो इक्वेशन गिवन है दैट इज

अगर डिफरेंस ऑफ रूट की वैल्यू थ्री आ रही है तो फिर के की वैल्यू क्या होगी इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सोल्यूशन लिख लिया नाउ वी नो दैट कि डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या आता है अल्फा माइनस बीटा का मॉड इज इक्वल टू रूट ऑफ डी अपॉन ए दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायरिंग करूं तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर विल बी बेसिकली इक्वल टू डी अपॉन ए स्क्वायर अब वैल्यूज प्लग इन कर दी इस इक्वेशन से तो अल्फ़ा माइनस बीटा तो गिवन है थ्री तो थ्री का होल स्क्वायर नाइन आ गया इक्वल टू डी की वैल्यू यहाँ से निकाल ली इधर से बी स्क्वायर दैट इज के माइनस फोर होल स्क्वायर ये माइनस का स्क्वायर करो तो प्लस ही बनने वाला है बी स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ए ए इज के माइनस टू इंटू सी सी इज माइनस टू ठीक है डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर ए स्क्वायर इज के माइनस टू होल स्क्वायर तो बस अब तो ये एक्सप्रेशन बन गया इस इस इक्वेशन को बेसिकली हमें सॉल्व करना है के की वैल्यू के लिए और कुछ भी नहीं है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया नाइन टाइम्स के माइनस टू होल स्क्वायर इस के माइनस फोर होल स्क्वायर को ओपन कर दिया के स्क्वायर प्लस सिक्सटीन माइनस एट के और ये इधर मल्टीप्लाई होके बन गया प्लस एट के एंड देन यू विल हैव माइनस ऑफ सिक्सटीन देखो माइनस uh, तो टू और फोर एड मल्टीप्लाई हुए तो एट बना एट के और माइनस सिक्सटीन दिस इज इक्वल टू नाइन इंटू इसको एक्सपेंड कर दिया तो के स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर के और इधर अपना सिक्सटीन सिक्सटीन एट के एट के कैंसिल यू हैव के स्क्वायर है और इसको सिंप्लीफाई किया तो नाइन के स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स माइनस थर्टी सिक्स के इज इक्वल टू के स्क्वायर तो यहाँ से आ गया एट के स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स के प्लस थर्टी सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो तो इसको अब फोर से डिवाइड कर देते हैं तो विल हैव टू के स्क्वायर माइनस नाइन के प्लस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो तो इसको अब हमने लिख लिया टू के स्क्वायर माइनस सिक्स के मिडल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं माइनस थ्री के प्लस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो दस गिव्स यू टू के यहाँ से कॉमन तो अंदर बचा k माइनस थ्री माइनस थ्री कॉमन एंड यू हैव k माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू k माइनस थ्री इंटू टू के माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो तो यहाँ से दो आंसर आ गए दो वैल्यूज़ आ गई बेसिकली k की एक वैल्यू आई k इज इक्वल टू थ्री एंड सेकेंड वैल्यू आई k इज इक्वल टू थ्री बाई टू तो यही अपना बेसिकली आंसर आ गया या ये वैल्यू होती है या ये हो सकती है दोनों भी होती हैं दैट इज योर आंसर ठीक है तो दे इज मैनी एग्जाम्पल्सफिशेंट फॉर नाउ लेट्स राइट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना होगा आगे चैप्टर करते हुए ये स्टैंडर्ड रिजल्ट ही हैं आपने टेंथ में भी कुछ तो किए होंगे तो पहला पॉइंट जो है दैट इज डिस्क्रिमिनेंट के बेस पे कि अगर आपका जो डी है डिस्क्रिमिनेंट इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो जो आपके रूट्स होंगे दैट विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब आपके दोनों रूट्स रियल आएंगे और अलग अलग आएंगे इक्वल नहीं आएंगे ठीक है सेकेंड इसी में लिख लेते हैं कि डी की वैल्यू अगर इक्वल टू जीरो हो तो तब आपके रूट्स रियल रहेंगे एंड दे विल बी इक्वल और अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है तो आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट स्क्वायर रूट के अंदर होता है तो इस सिनेरियो में फिर इमेजिनरी रूट्स आएंगे इमेजिनरी रूट्स के बारे में हम कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का एक जो चैप्टर है उसमें हम डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं तो यहाँ से रूट्स आ गए अपने इमेजिनरी रूट्स ठीक दैट वॉज अर फर्स्ट पॉइंट लेट्स मूव टू सेकंड पॉइंट दैट इज के अगर ए बी और सी ये आपके रैशनल नंबर्स हों ठीक है एबीसी वैसे रियल हो सकते हैं होने को इमेजनरी भी हो सकते हैं है ना लेकिन हम रियल वाले केस ही लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो अगर रियल में से ए बी सी आप कहो कि रैशनल है उसमें इ कोई नहीं है तो फिर रूट्स जो है अपने रूट्स आर रैशनल व्हेन डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो उस सिनेरियो में आपके जो रूट्स आएंगे वो रैशनल रूट्स आएंगे ठीक है और रूट्स आपके इ आ जाएंगे वैन डी इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ठीक है अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स रैश आएंगे अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रैशनल आएंगे इसको हम समझ सकते हैं मान लो आपके रूट्स जो है अल्फा और बीटा की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए बोलते हैं ठीक है तो अगर तो d हुआ आपका परफेक्ट स्क्वायर तो स्क्वायर और ए स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यू विल हैव माइनस बी प्लस माइनस अ नंबर बेसिकली एन इंटीजर डिवाइडेड बाय एन इंटीजर तो दो इंटीजर्स की अगर आप रेशियो लोगे तो रैशनल नंबर ही मिलेगा लेकिन अगर आपका d इरेशनल हुआ मान लो ए डी सॉरी आपका परफेक्ट स्क्वायर ना हुआ मान लो डी की वैल्यू थ्री आ जाती है तो ये तो स्क्वायर रूट में रूट थ्री आ जाएगा तो उस सिनेरियो में जब आप रूट थ्री यहां पे रखोगे तो माइनस बी प्लस माइनस रूट थ्री टू है अब तो ये तो एक इैशनल नंबर बनेगा ये कभी भी रैशनल नहीं बन पाएगा अगर आपके ए बी एंड सी तीनों के तीनों ऑलरेडी रैशनल थे तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेकेंड पॉइंट विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज पॉइंट नंबर थ्री पॉइंट नंबर थ्री क्या बोल रहा है कि जो इर रूट्स होते हैं रैशनल रूट ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स अकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर्स इैशनल रूट अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स देखिए जरा मान लो क्या आपका एक रूट आया ए प्लस रूट बी तो ये कॉन्सेप्ट यह रिजल्ट हमें क्या बोलता है कि डेफिनेट सी बात है कि आपका दूसरा रूट a माइनस रूट बी आया होगा इफ वन ऑफ योर रूट इज a प्लस रूट बी देन योर सेकेंड रूट हैज टू बी a माइनस रूट बी या फिर आप ऐसे कह लो कि आपका अगर एक रूट a माइनस रूट बी आया है तो आपका सेकेंड रूट फिर a प्लस रूट बी आया होगा ठीक है फोर्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट जो है ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट पढ़ने के बाद ही समझ आएगा इसको मैं यहां पे लिखवा देता हूं अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं पे पहले पढ़ा है तो आपको अभी समझ आ जाएगा यह पॉइंट क्या कहता है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑल्सो अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स कॉम्प्लेक्स रूट्स भी कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं मतलब कि अगर एक रूट ए प्लस आइटा बी है तो दूसरा रूट डेफिनेटली ए माइनस आइटा बी होगा प्रोवाइडेड ए बी सी सारे के सारे रियल नंबर्स हैं ये आपको ध्यान रखना है इस कॉन्सेप्ट पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एंड बच्चे फिर गलत आंसर टिक कर देते हैं ए बी सी हैव टू बी रियल अगर आप ये रिजल्ट्स यूज़ करना चाहते हो तो ठीक है तो अगर आपने अभी नहीं पढ़ा ये आयटा तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ लोगे देन यू कैन कम बैक टू दिस कॉन्सेप्ट एंड तब आपको ये बहुत ईजिली समझ आ जाएगा अभी एक दो तो एग्जाम्पल्स कर लिए पहले एग्जाम्पल लिखिए कि आपके पास मान लो इक्वेशन है एक एफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स टाइम्स वन प्लस थ्री एम प्लस सेवन टाइम्स थ्री प्लस टू एम इक्वल टू जीरो मान लो ये इक्वेशन है अगर आपके पास और ये, आपको ये बोला गया कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स देन फाइंड एम तो सोल्यूशन लिखा हमें पता है इक्वल रूट्स कब आएंगे जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू जीरो रहेगी तो उस सिनेरियो में हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू तो जीरो कर दिया तो दैट विल बी माइनस टू इंटू वन प्लस थ्री एम का होल स्क्वायर ये तो बी स्क्वायर आया साथ में माइनस ऑफ फोर ए इंटू सी और सी की वैल्यू सेवन इंटू थ्री प्लस टू एम इसको हमने इक्वल टू जीरो कर दिया सिंप्लीफाइंग तो टू का स्क्वायर फोर और वन प्लस थ्री एम माइनस ट्वेंटी एट इंटू थ्री प्लस टू एम इक्वल टू ज़ीरो तो वो ओपन किया यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा ओपन किया फोर इंटू वन प्लस नाइन एम स्क्वायर प्लस सिक्स एम माइनस ट्वेंटी एट इंटू थ्री प्लस यहाँ पर भी माइनस ही आ जाएगा माइनस ट्वेंटी एट इंटू टू एम इज इक्वल टू ज़ीरो सारी इक्वेशन को फोर से पहले तो डिवाइड कर देते हैं तो फोर से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा वन प्लस नाइन एम स्क्वायर प्लस सिक्स एम माइनस सेवन यहाँ पर बचेगा सेवन इंटू थ्री ट्वेंटी वन माइनस सेवन इंटू टू फोर्टीन एम इज इक्वल टू ज़ीरो और यहाँ से इक्वेशन आ गई नाइन एम स्क्वायर माइनस एट एम माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो आपके पास एम की दो वैल्यूज आ जाएंगी आई एम श्योर यू कैन ईजिली डू इट दैट इज एम विल बी माइनस एम अपॉन माइनस टेन अपॉन नाइन एंड सेकेंड वैल्यू विल बी टू तो यही बेसिकली अपना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का ठीक है आप वीडियो पॉज करो एंड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन योर नेक्स्ट चलते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन सेज के आपको प्रूव करना है प्रूव दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल वी हैव टू प्रूव दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो इसके रूट्स रियल रूट्स हैं यही हमें प्रूव करना है बेसिकली तो प्रूव करने के लिए अब रियल रूट्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि डिस्क्रिमिनेट जो आए वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाए डिस्क्रिमिनेट टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर रूट्स टू बी रियल तो इसका फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लिया दैट विल बी इस माइनस टू ए का होल स्क्वायर दैट इज फोर ए स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ए इंटू सी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इसको इवेल्यूट किया तो फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर प्लस फोर सी स्क्वायर ये फोर ए स्क्वायर फोर ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए तो यू विल हैव फोर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो ये क्वांटिटी ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर तो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी बनी दिस इज ग्रेटर देन जीरो और यू कैन से इक्वल टू ज़ीरो इन केस बी और सी की वैल्यू जीरो होती है तो दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हैंस रूट्स आर रियल बिकॉज अपना डिस्क्रिमिनेट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है तो इसलिए अपने रूट्स जो हैं वो रियल रूट्स आ रहे हैं ठीक है तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं और क्वेश्चन ले लिया प्रूव दैट रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रैशनल हम सारे कॉन्सेप्ट एक एक एग्जांपल कर रहे हैं सो दैट यू नो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन इन एग्जाम तो रूट्स गिवन इक्वेशन के रैशनल हैं ये हमें प्रूव करना है एंड इक्वेशन इज ए प्लस सी माइनस बी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस टू सी एक्स प्लस बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो तो सोल्यूशन लिख लिया अब हमें पता कि रूट्स रैशनल कब होते हैं जब डी अपना परफेक्ट स्क्वायर आएगा वेल डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर रैशनल तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट किया तो बी स्क्वायर दैट इज टू सी होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स फर्स्ट टर्म दैट इज ए प्लस सी माइनस बी इंटू ये लास्ट टर्म सी दैट इज बी प्लस सी माइनस ए अब इसकी वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर आनी चाहिए तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं फोर सी स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दिया सारे टर्म्स को सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया ए बी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर फिर सी को मल्टीप्लाई किया प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी फिर बी वाली टर्म को माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी इतना बन गया अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं तो ये ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो गया और बी सी से बी सी कैंसिल आउट हो गया बाकी टर्म्स तो बची जाएंगे सो यूल है फोर सी स्क्वायर माइनस फोर ए बी फिर माइनस माइनस प्लस फोर ए स्क्वायर माइनस फोर सी स्क्वायर एंड देन यू हैव प्लस फोर बी स्क्वायर एंड देन प्लस ऑफ नहीं माइनस ऑफ फोर ए बी ये माइनस फोर और ए बी मल्टीप्लाई हुए तो तो दस इज इक्वल टू ये फोर सी स्क्वायर फोर सी स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया सो यू हैव ये सब टर्म्स में फोर आ रहा है तो फोर को कॉमन ले लिया तो so, आपके पास बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी विच इज इक्वल टू फोर इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर नाउ वी कैन क्लियरली सी क्या आप इसका जब रूट लोगे तो आपके पास बचेगा टू इंटू ए माइनस बी सो दिस इज बेसिकली अ परफेक्ट स्क्वायर टर्म तो इसलिए सिंस डी अपना जो था वो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि इस गिवन इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रैशनल रूट्स आएंगे सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो विल मीट अप इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन Thank you.